हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था अगर आपको एक बाइक लेना है जो कंफर्टेबल है 2 लाख के अंदर, आपको कौन से बाइक की तरफ जाना चाहिए। कार में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बजट है 8 से लेकर 10 लाख तक। इसमें बहुत सारे कार्स अवेलेबल है, तो कंफर्ट के बारे में सोचते हो तो आपको कौन से कार की तरफ जाना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर पर आता है मारुति के कार्स में, वो है वैगनआर। आपका बजट अराउंड 6 से लेकर 8 लाख का है तो आपको एक कार लेना है तो वैगनआर की तरफ जा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कार में लगा है वो उसका सस्पेंशन। ये सिटी में बहुत अच्छे से काम करता है, पूरे ख़राब रास्तों पे आप चलाते हो तो बम्स को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। इस बहुत स्पेशियस लगता है अंदर से। ये उन लोगों के लिए जो सिटी में ज़्यादातर चलाना चाहते हैं। इसका हाईवे परफॉर्मेंस ठीक है बट इसका हाईवे स्टेबिलिटी बेकार है। ये हाईवे के लिए नहीं बना है। जो सिटी में चलाते हैं और उनको ख़राब रास्तों पे चलाना रहता है और उनको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए, स्पेशियस फैमिली कार चाहिए जो सिटी में चलाना रहता है, तो आप ज़रूर वैगनआर की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसको इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट। और याद रखिए, मैं ओनली कार्स अबव 5 लाख्स एंड लेस देन 10 लाख्स कंसिडर करूँगा। अगर आप चाहते हो मैं कोई दूसरे बजट पे फोकस करूं नेक्स्ट वीडियो पे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट कार है टाटा के। जितने भी कार्स है टाटा के विच इंक्लूड्स टियागो, नेक्सॉन और पंच, ये तीनों कार्स आपको 10 लाख के अंदर मिल जाता है। और आपका बजट अगर 5 लाख के ऊपर है फिर भी आप इसमें कोई भी कार ले सकते हो बेस्ड ऑन द वेरियंट्स। बट इसमें सबसे कंफर्टेबल कार मुझे लगता है टियागो एंड देन इट इज़ पंच और नेक्सॉन। ये मेरे रैंकिंग्स हैं बट अगर आप देखते हो ओवरऑल तीनों कार्स बहुत कंफर्टेबल है। इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे इंडियन रोड्स पे आप चलाते हो तो टाटा के कार्स के जो सस्पेंशन होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। टियागो हाईवे में भी बहुत स्टेबल फील होता है। द सेम गोस विथ पंच एंड नेक्सॉन। तो अगर आपको ऐसा कार चाहिए जो आप फैमिली के साथ सिटी में भी चलाना चाहते हो, हाईवे में भी चलाना चाहते हो, स्टेबिलिटी और कंफर्ट में अच्छा बैलेंस चाहिए, तो आप इन टाटा कार्स की तरफ जा सकते हो। मैंने इन तीनों कार्स को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने बहुत बार बोला है कि ये बहुत कंफर्टेबल कार्स है। सस्पेंशन वर्क्स ब्रिलियंटली ऑन दीज 3 कार्स। प्लीज़ इन 3 कार को कंसिडर कीजिए, कम्फर्ट प्रायोरिटी है तो। नेक्स्ट कार जो कंफर्टेबल लगा मुझे वो है एस्प्रेसो। डिज़ाइन के बारे में मुझे पूछते हो तो मुझे इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है। बहुत लोग इसके डिज़ाइन को पसंद नहीं करते और बहुत लोग इसके डिज़ाइन से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनको डिज़ाइन से प्रॉब्लम नहीं हो इस कार के तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल सिटी कार है। अगर आपको सिटी में चलाना है, सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है एस्प्रेसो का, आपको बम्स फील नहीं होता है ख़राब रास्तों पे। ये ऐसा कार है जिनको एक SUV वाला फील चाहिए जिसमें बोनेट दिखे और आपको ऐसा लगता है कि आप हाई सीट सीटिंग पोजिशन में बैठे हो, तो इस कार के तरफ वो ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि सिटी में चलाने के लिए बढ़िया है। छोटा है कार, नैरो है, आप इसको आराम से कोई भी नैरो सेक्शंस ऑफ रोड्स पे चला सकते हो, गली में लेके जा सकते हो। और जो ख़राब रास्तों पे इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। आई हैड ड्राइव ऑन दिस कार रिसेंटली। ड्राइविंग डायनामिक्स उतना ठीक नहीं है कार का, बहुत लाइट फील होता है। हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बना है कार, बट ये सिटी में चलाने के लिए कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी है, तो इस कार को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको एक CNG कार लेना है इन द मोस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट। नेक्स्ट कार आता है नेक्सा में, अभी जब जाते हो तो वो आता है बलिनो। बलिनो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है बैड रोड्स पे। पुराने वाले बलिनो के बारे में आप बात करते हो तो वो काफ़ी बाउंसी था, सस्पेंशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था ख़राब रास्तों पे। बट जो नया वाला बलिनो है दैट डज़ अ रियली गुड जॉब ऑन बैड रोड्स। काफ़ी कंपोज लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा काफ़ी सॉफ्ट है, बट अच्छे ठीक ठाक तरीके से ख़राब रास्तों पे बम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाईवे में ठीक ठाक स्टेबिलिटी ऑफर करता है। इस कार में सेफ्टी रेटिंग अभी तक आया नहीं है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मारुति फेल है, तो मैं ये कार हाईवे में किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बट सिटी में एक कार खरीदना चाहता है कोई विद गुड मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स और ड्राइविंग डायनामिक्स, बलिनो इज़ एन एक्सलेंट कार। द गियर बॉक्स वर्क्स ब्रिलियंटली। कार के अंदर कैबिन में आपको इंजन का नॉइस सुनाई नहीं देता है क्योंकि इंजन बहुत रिफाइंड 4 सिलेंडर का इंजन है। काफ़ी ईजी है चलाने के लिए, कंट्रोल्स काफ़ी लाइट है, सस्पेंशन ऑल्सो वर्क्स ब्रिलियंटली, बहुत स्पेशियस है आपके फैमिली के लिए और आपके लिए, तो आप ये कार को के तरफ ज़रूर जा सकते हो अगर आपको एक कंफर्टेबल सिटी कार चाहिए विद प्रीमियम इंटीरियर्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट कार है हुंडई की तरफ से i10 नियोस का भी इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है और बहुत अच्छे प्राइस के साथ आता है और हुंडई के क्वालिटी सर्विस के साथ भी आता है। 4 सिलेंडर का रिफाइंड स्मूथ इंजन है इसमें।
और माइलेज आपको मारुति की तरफ नहीं देगा जैसे नहीं देगा, बट बहुत अच्छा माइलेज ऑफर करता है। और स्पेशली अगर आप इस कार की तरफ जाते हो तो एक बात बता दूं कि सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है, बम्प्स में आपको उतना फील नहीं होता है। हाईवे स्टेबिलिटी में भी मारुति के कार से थोड़े से बेटर है, बट स्टिल आई वुड नॉट कंसिडर दिस कार एज अ गुड हाईवे कार। बट ये कार की तरफ आप ज़रूर जा सकते हो अगर आपका कम्फर्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में है और इसका रीसेल वैल्यू बढ़िया है। इट्स अगेन अ वेरी गुड सिटी कार। अगर आप सिटी में चलाने के लिए कार लेना चाहते हो तो ज़रूर इसकी तरफ आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको देगा। नेक्स्ट कार ऑन दिस लिस्ट इज़ Hyundai Venue। Venue एक बहुत बहुत अच्छा कार है, बट काफ़ी छोटा लगता है अंदर से, क्योंकि अगर आप किया सोनेट को देखते हो जो इसी कार के ऊपर बेस्ड है, दैट फील्स लार्जर एंड मोर प्रीमियम। बट अगेन इफ़ यू कीप ऑल ऑफ दैट असाइड, Venue का सस्पेंशन और कम्फर्ट मुझे सोनेट से बेटर लगता है। अगर आपको एक कम्फर्टेबल फैमिली कार चाहिए और आपको SUV फील चाहिए तो आप डेफिनेटली Venue की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसका सस्पेंशन अच्छे से काम करता है, इट फील्स वेरी कम्फर्टेबल। और स्टेबिलिटी की बात करें तो हाईवे स्टेबिलिटी ठीक ठाक है कार का, बट इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। प्लीज़ इस कार को लिस्ट में इंक्लूड कीजिए अगर आप एक कंफर्टेबल कार लेना चाहते हो, विच इज़ एन SUV। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया, वो है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, ऑल्सो नोन एज ओनली डिज़ायर एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब वो लॉन्च हुआ था इट वॉज कॉल्ड एज स्विफ्ट डिज़ायर, क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्विफ्ट। और आज भी आप देखते हो उन्होंने स्विफ्ट का नाम हटा दिया है उससे, बट वो कम्प्लीटली स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो आप सेफ्टी में उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपको ठीक ठाक तरीके से सेफ्टी ऑफर नहीं करेगा। ऑन हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इज़ जस्ट ओके, बट एक चीज़ में ये कार बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, वो है कम्फर्ट। क्योंकि जब आप पीछे बैठते हो या अभी कार भी चलाते हो, बम्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, स्पेशियस लगता है फैमिली के लिए। एंड ये एक बहुत प्रैक्टिकल कार है, क्योंकि बूट भी मिलता है आपको, बिल्ड क्वालिटी हल्का है, इंटीरियर का क्वालिटी भी उतना बढ़िया नहीं है, बट कम्फर्ट की बात करें तो डेफिनेटली इस लिस्ट में मैं इन कार्स को इंक्लूड करना चाहूँगा फॉर श्योर। ये मेरा लिस्ट था दोस्तों, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे कार्स को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप कोई कार ओन करते हो और आपको ऐसा लगा कि इस लिस्ट में वो कार होना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट इवन आई नो कि भाई ये भी कार मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए। मैं फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।